हेलो दोस्तों, आज फिर एक संडे टाइम्स, लेकिन ये संडे टाइम्स मुंबई का है। ये दिखने में सोंडे टाइम्स दिख रहा है, वो अलग बात है। ये मुंबई का संडे टाइम्स है। लास्ट टाइम हमने दिल्ली का संडे टाइम्स पढ़ा था। ये एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी वोकेबलरी, हमारे इंग्लिश वर्ड्स जो है, हमें इंक्रीज करने हैं। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम जो न्यूज़ आर्टिकल्स हम पढ़े और उसमें से वर्ड्स ढूंढ के निकाले और उसके मायने मैं आपको बताऊं। जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था, वैसे ही इस बार भी सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्ट्रैप लाइन पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको स्ट्रैप लाइन क्या है वो याद होगा। ऊपर का हिस्सा जो है उसे मास्ट हेड कहते हैं। कोई भी न्यूज़ का हेडलाइन जो सबसे ऊपर लिखी हुई रहती है, सेकंड जो हेडलाइन जो छोटी लेकिन कुछ ही लफ्ज़ों में या शब्दों में लिखी हुई रहती है, उसे स्ट्रैप लाइन कहते हैं। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आगे के वीडियोस भी आपको मिले। तो चलिए आज की पहली हेडलाइन, व्हाट कॉज्ड द क्रैश, ब्लैक बॉक्स वॉइस रिकॉर्डर फाउंड, प्रोब बिगिंस। वॉट कॉज द क्रैश, कॉज जो आता है उसका मतलब वजह, वॉट का मतलब तो आपको पता है। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि बहुत से बार ऐसा होता है कि हेडलाइंस आपको समझने के लिए आपको उसकी कुछ बैकग्राउंड मालूम रहनी चाहिए। नहीं पता है तो आप पूरा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये हेडलाइन एक दिन पहले की है असल में, जब कोहिकोड में एक प्लेन क्रैश हुआ। एयर इंडिया का प्लेन जो है रनवे के आगे जाके गिर गया। तो इस हेडलाइन का उससे रिलेशनशिप है। ये हेडलाइन पूछ रहा है व्हाट कॉज द क्रैश, इस क्रैश की वजह क्या थी। ब्लैक बॉक्स जो है असल में एक रिकॉर्डर रहता है जो हर फ्लाइट के अंदर रखा हुआ रहता है। वो प्लेन के हर हिस्से से जुड़ा हुआ रहता है। तो कैप्टन क्या करता है, कौन से बटन दबाता है, वो क्या बोलता है, वो सब रिकॉर्ड होता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है वो ब्लैक बॉक्स निकाला जाता है। वो पूरी उस तरीके से उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि आखिरी बार जो पायलट जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो हो सकता है कि वो उसकी असल वजह जो है प्लेन क्रैश की मालूम पड़ जाए। तो ब्लैक बॉक्स वॉइस रिकॉर्डर फाउंड, तो वॉइस रिकॉर्डर यानी कि जो वॉइस यानी आवाज़ रिकॉर्डर मिल गया, ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। प्रोब का मतलब होता है जांच, बिगिंस का मतलब शुरू। तो प्रोब बिगिंस मतलब जांच शुरू हो चुकी है। फ्लोरबोर्ड ऑफ कॉकपिट कट टू रिसीव डिवाइसेस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फ्लोरबोर्ड, फ्लोर का मतलब है ज़मीन। तो कोई भी गाड़ी के अंदर, कोई भी व्हीकल के अंदर फ्लोरबोर्ड होता है क्योंकि ज़मीन नहीं रहती, लेकिन एक पतरा या तो स्टील रहता है ताकि उसके ऊपर लोग खड़े हो सके। तो उस वाहन का, उस व्हीकल का, उस गाड़ी का फ्लोर तो वही बोर्ड हो जाता है, इसलिए कहते हैं उसे फ्लोर बोर्ड। कॉकपिट वो जगह है जहाँ पर पायलट बैठता है, जहाँ से प्लेन उड़ाता है बैठ के, उसे कॉकपिट कहते हैं। तो उस कॉकपिट की ज़मीन को, उस कॉकपिट के नीचे की पैर के नीचे के पतरे को काट करके, रिट्रीव का मतलब है ढूंढ के निकालना या तो निकालना। तो जिस डिवाइस का मतलब होता है कोई भी मशीनरी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कौन सी मशीनरी की बात कर रहा है। जी हाँ, ये ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर की बात कर रही है। तो फ्लोर बोर्ड काट करके ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर ढूंढा गया। थोड़ा फोटोग्राफ के ऊपर, डिसेंट इनटू ट्रेजेडी। डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना। तो अगर आप कहीं भी पढ़ते हो
असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि नीचे से ऊपर जाना या तो छोटा से बड़ा नंबर गिनना, और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा नंबर गिनना या तो बड़े ऊपर से नीचे आना। ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई बुरी घटना। मॉम हु लॉस्ट अ सन इन 1981 लूजेस सेकंड ऑन बर्थडे ईव। बी डे जो है बर्थडे, ईव का मतलब होता है ज़्यादातर के ये इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म है। ईव का मतलब लिया जाता है कि एक दिन पहले या एक शाम पहले। ये हम देख रहे हैं जो हमने आखिरी बार भी देखा था, ये न्यूज आर्टिकल को कहते हैं साइड बार, यानी कि जो मेन हेडलाइन है उसी से लेना देना है इस न्यूज आर्टिकल का भी। लेकिन ये एग्जैक्टली क्रैश के बारे में नहीं है, ये उस पायलट के बारे में है। तो मॉम यानी कि माँ हु लॉस्ट अ सन इन 1981, उसने एक बेटे को 1981 में खो दिया। लूज इज सेकेंड यानी दूसरे को भी उसने बर्थडे के दिन पे खो दिया। अब ये किसका बर्थडे है ये मुझे हेडलाइन देख के समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये बर्थडे किसका था। आइए नेक्स्ट हेडलाइन पे। स्टेट रिकॉर्ड्स 12K केसेस, इट्स हाईएस्ट वन डे टैली टू टच 5 लाख। मैंने गए बार भी कहा था, इस बार आप फिर से याद कर लें कि के का मतलब होता है 1000 या 1000। यहाँ पर ये जो मुंबई का न्यूज़पेपर है तो ये स्टेट ऑटोमेटिकली इसका मतलब होता है महाराष्ट्र। ये गए बार हमने दिल्ली का पेपर पढ़े थे, वहाँ पर अगर सिटी लिखा हुआ था तो दिल्ली की बात चल रही थी। यह ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र स्टेट लिखे, महाराष्ट्र का जो न्यूज़पेपर रीडर है वो जब पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि जब स्टेट की बात चल रही है तो महाराष्ट्र की बात चल रही है। 12.8K यानी कि 12,800 केसेस, इट्स हाईएस्ट वन डे टैली, यानी कि आज तक का जो एक दिन का जो हिसाब है टैली वो 12,800 महाराष्ट्र में मिला है। टू टच 5L, L का मतलब होता है 5 लाख। फिर से मैं दोहरा दूं, यहाँ पर हेडलाइंस में क्योंकि जगह बहुत कम रहती है और कम से कम लफ्ज़ों में, कम से कम शब्दों में सारी बात कहनी है, वो सारी बातें जो अगर तुम देख लो तो आपको लगे कि भाई मैं आगे भी पढ़ूं, या तो अगर आपको नहीं लगे तो आप हेडलाइन से ही काफ़ी हद तक का न्यूज़ समझ सकते हैं। तो जो हेडलाइन राइटर्स जो रहते हैं, कॉपी राइटर्स, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हेडलाइन में घुसाने की कोशिश करते हैं। ये जो स्ट्रैप लाइन है या सब हेड है, सिटी नंबर्स 2 सर्ज, NOS जो है शॉर्ट फॉर्म है नंबर्स का, महा है महाराष्ट्र का शॉर्ट फॉर्म, डेथ्स डाउन। सिटी यहाँ पे ऑब्वियसली मुंबई के बारे में लिखा हुआ है तो मुंबई के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये पेपर जो है महाराष्ट्र के बाहर नहीं मिलता। सिटी नंबर्स टू सर्ज, सर्ज का मतलब है बढ़ता, यहाँ पर इंक्रीज भी लिखा जा सकता था। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना लेकिन तेजी से। महाराष्ट्र डेथ्स डाउन, मगर ये कह रहे हैं कि कोविड से पीड़ित मरने वालों की तादाद जो है वो कम होती जा रही है। कोविड के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन मरने वालों की तादाद कम होती जा रही है। उसके नीचे हेडलाइन है सिटीज 5.5% डेथ रेट वरीज BMC। यहाँ फिर से सिटी का मतलब होता है मुंबई, 5.5% यानी कि जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं उनमें से 5.5% लोग मर रहे हैं। इतना रेट जो है वो BMC यानी कि बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है बॉम्बे की, उसको शॉर्ट फॉर्म में BMC कहा जाता है। वो चीज़ जो है BMC को सता रही है, उसके हिसाब से 5.5% डेथ रेट ज़रा ऊंचा है। घाटकोपर वार्ड सीज मोस्ट डेथ्स, घाटकोपर एक जगह है बॉम्बे के अंदर, वो एरिया में सबसे ज़्यादा मरने की खबर आ रही है। अगले हेडलाइन पे चलें। डेथ इन हॉस्पिटल विद ब्रीदिंग इशू, टेस्ट कोविड नेगेटिव। गए बार मुझे याद है कि हमने एक हेडलाइन पढ़े थे जिसके अंदर प्लस और VE लिखा हुआ था, जो पॉजिटिव था।
आज हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव जो है वर्ड आया है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, माइनस और वी मतलब नेगेटिव। आप देख सकते हैं कि ये दत्त जो है वो संजय दत्त की बात चल रही है, ये जो मशहूर कलाकार है। ब्रीदिंग इशू मतलब कोई उसको उनको सांस लेने की तकलीफ की वजह से वो हॉस्पिटल में उनको रखा गया है। HOSP हॉस्पिटल जो है, हॉस्प जो है हॉस्पिटल का शॉर्ट फॉर्म है। और उन्हें उनका कोविड का टेस्ट किया गया लेकिन वो नेगेटिव पाए गए। हॉस्पिटल में जाने के लिए हर पेशेंट को कोविड टेस्टिंग ज़रूरी है, इसके लिए उनका टेस्ट लिया गया। भूषण कंटेम्प्ट केस बिफोर वन कोर्ट स्टे प्ली इन अनदर। प्रशांत भूषण जो मशहूर एडवोकेट है उनके ऊपर कंटेम्प्ट केस चल रहा है। कंटेम्प्ट केस जिनको नहीं मालूम है वो समझ ले कि कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी का इंसल्ट करना। तो कंटेम्प्ट केस जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी एक केस हो सकता है, क्योंकि अगर कोई कोर्ट ने किसी चीज़ का आदेश दे दिया और तुमने उस चीज़ का उल्लंघन कर दिया तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। तो एक कोर्ट में प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट केस चल रहा है, दूसरे कोर्ट के अंदर उन्होंने स्टे प्ली डाल दिया। स्टे प्ली वो ज़्यादातर के बहुत जन को पता है, भले इंग्लिश नहीं आती हो लेकिन जिसको नहीं पता है उनके मतलब बता दूँ, स्टे प्ली, प्ली का मतलब होता है अर्जी और स्टे का मतलब होता है रोक देना। यानी स्टे का मतलब असल में ये भी होता है कि कोई आदमी कहीं पर रुकता है तो उसे भी स्टे कहते हैं। तो कोई भी प्रोसीडिंग्स है, कोई भी कोर्ट के अंदर कुछ काम चल रहा है तो उस काम को रोक देना, या कोई और काम चल रहा है लेकिन कोर्ट में अर्जी दे देना कि वो काम को रोक दे, उसे स्टेपली कहते हैं। ज़्यादातर के स्टेपली हम देखते हैं बिल्डर्स के खिलाफ, या कोई कहीं पे कुछ काम चल रहा है बिल्डिंग का या तोड़ फोड़ का, तो कोई भी जाके कोर्ट के अंदर स्टेपली मांग सकता है, यानी कि वो काम को रोक सकता है। SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। एडमिट्स फोपा, इसका प्रोनंसिएशन है फोपा। फोपा का मतलब होता है कुछ ऐसा काम करना जिससे किसी और को या खुद को शर्म महसूस हो, एम्बेरसमेंट महसूस हो। तो SC एडमिट्स फोपा, यानी कि SC एडमिट का मतलब किसी चीज़ को मान लेना। तो SC यानी सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फोपा किया, यानी कि ऐसी गलती की है। हॉल, ये लास्ट टाइम भी हॉल एक वर्ड आया था, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखें न्यूज़पेपर रीडिंग का, वहाँ पर हॉल का मतलब कि पुलिस ने कुछ छापा मारी थी। यहाँ पर हॉल का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो हॉल्स आप रजिस्ट्रार्स, रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर करने वाले, केस रजिस्टर करने वाले लोग जो रहते हैं कोर्ट के अंदर। तो जब कोर्ट ने जो गलती अपनी मान ली और रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी उसमें ठहरा दी। अगली हेडलाइन लिखें, रिकॉर्ड 65K न्यू केसेस प्रोपेल इंडिया पास 21.5L। ये तो मैंने पहले भी कहा थोड़ी देर पहले, के का मतलब हज़ार, एल का मतलब लाख। रिकॉर्ड यानी कि नया रिकॉर्ड बन चुका है, रिकॉर्ड 65 न्यू केसेस, नए रिकॉर्ड बना कि 65,000 नए केसेस आए। प्रोपेल का मतलब तेज़ी से किसी को आगे बढ़ा देना, यानी कि बहुत सारे केसेस आगे बढ़ चुके हैं इंडिया के अंदर 21,50,000 के आगे। एक चीज़ यहाँ पर मैं अच्छी नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने देखा कि रिकॉर्ड यानी कि नया रिकॉर्ड बना, नई ऊंचाई छू गया। वैसे ही हमने महाराष्ट्र का केस देखा था, स्टेट रिकॉर्ड्स, यानी कि वहाँ पर कोई भी चीज़ को सिर्फ दर्ज करना है, यानी कि वो लिख देना है या नोट डाउन करना है। और जब हम वो क्रैश के बारे में बात कर रहे हैं तो वॉइस रिकॉर्डर, यानी कि यहाँ पर कोई चीज़ को रिकॉर्ड करना, कोई चीज़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए ये रिकॉर्डर का मतलब वो था। तो रिकॉर्ड का मतलब तीन अलग अलग तरीक़ों से आया है। यहाँ पर भी एक केस हम देखते हैं, सर्ज, जैसे मैंने बताया बढ़ जाना लेकिन तेज़ी से बढ़ना, वैसे ही यहाँ पर भी प्रोपेल का मतलब आगे बढ़ना लेकिन तेज़ी से बढ़ना। यहाँ पर ये इंक्रीज नहीं है, सर्च से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन प्रोपेल का मतलब कोई भी चीज़ को तेज़ी से आगे बढ़ना, सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता है। चलो अगले
हेडलाइन पे, रियल्टी रजिस्ट्रेशन इन ऑगस्ट एट 67% ऑफ 19 लेवल्स. ये अपोस्ट्रोफी 19 जो है इसका मतलब हो है 2019 गए साल का. रियलिटी, ये देखो बहुत जन यहाँ पर गलती करते हैं, इसको रियलिटी बोलते हैं. यहाँ तक कि मैंने न्यूज़ चैनल्स को भी ये गलती करते हुए देखा है, इंग्लिश बोलने वाले लोग को भी और नेशनल चैनल्स पे भी गलती करते देखा है कि वो लोग रियलिटी रियलिटी बोलते हैं. ये रियलिटी नहीं है, रियल्टी है. रियल्टी जो है ये वर्ड जो आता है रियल एस्टेट से, यानी कि ज़मीन की खरीदो फरोख्त की जिसको बोलते हैं रियल्टी. रजिस्ट्रेशन का मतलब है कोई भी चीज़ को रजिस्टर करना. अगस्त की बात चल रही है, AUG 67%. तो रियल एस्टेट के गए साल अगस्त में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उसके मुकाबले में 67% रजिस्ट्रेशन ये साल हुए. अगला हेडलाइन, मैं हेडलाइन कैसे भी ले रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम तो मैंने जो छोटे छोटे हेडलाइंस हैं उनको मैंने एक के बाद देख लिया, तो मैंने आज मैंने संजय दत्त का पहले ही पढ़ लिया. चलो उसके बाद के नीचे एक एक के पीछे एक पढ़ लेते हैं. बादशाह बॉट लाइक्स फॉर 75 लाख. जो लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि बादशाह करके एक सिंगर है, या जो अपने आप को एक रैपर कहते हैं, तो अपने सोशल मीडिया के पेज को इंक्रीज करने के लिए, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए उन्होंने 75 लाख खर्चा किए थे ताकि लोग उसके ऊपर व्यूज़ और लाइक्स आ सकें. लेकिन ये सब फेक लाइक्स और व्यूज़ थे ताकि दूसरों को ऐसा लगे कि उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे लाइक्स और व्यूज़ है. गवर्नमेंट, GOVT शॉर्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट डिसबैंड्स पावरलूम बोर्ड. डिसबैंड मतलब कोई भी चीज़ को तोड़ देना, बिखर देना. पावरलूम जो है मशीनरी है, जो हैंडलूम कपड़े बनाने की मशीनरी को पावरलूम बोलते हैं. तो पावरलूम का एक बोर्ड था जो ऑल इंडिया पावरलूम बोर्ड के नाम से चलता है, उसको गवर्नमेंट ने तोड़ दी, यानी कि उससे बर्खास्त कर दी. BJP शिफ्ट 20 राज MLAs टू गुजरात. बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने 20 राजस्थान के MLAs, राज जो है राजस्थान का है, MLAs टू गुजरात, गुजरात में उनको शिफ्ट कर दिया. और क्यों शिफ्ट कर दिया वो उनको पता है, अंदर नीचे खास ने लिखा है. शायद वो जो कांग्रेस के MLAs का प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पर, उससे कोई लेना देना होगा. पालघर लिंचिंग, फाइनल रिपोर्ट फाइल्ड. पालघर के अंदर दो साधुओं की मृत्यु हुई थी, उसके अंदर जो है पुलिस ने, यहाँ पर तो लिखा हुआ है स्टेट CID, स्टेट की CID ने जो फाइनल चार्ज शीट जो है, रिपोर्ट जो है, उसने फाइल कर दी है. लिंचिंग का मतलब है किसी को बिना कानूनी कार्रवाई किए मार मार के हत्या करना. इसी के बाजू में सुशांत सिंह राजपूत की हेडलाइन है, नॉट ओकेड CBI प्रोब, ट्रांसफर FIR टू मुंबई पुलिस, महा टेल्स SC. नॉट ओकेड CBI प्रोब, तो CBI का प्रोब को ओके नहीं दी गई है, यानी कि हामी नहीं दी गई है. ट्रांसफर FIR टू मुंबई पुलिस, तो ये जो FIR कहीं और फाइल हुई थी, शायद ये बिहार की FIR की बात चल रही है. ट्रांसफर FIR टू मुंबई पुलिस, महा टेल्स SC. तो महा मतलब महाराष्ट्र, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमने CBI प्रोब को हाँ नहीं दिया है. और जो बिहार में FIR जो फाइल करी गई थी वो मुंबई पुलिस को ट्रांसफ़र की जाए, ऐसी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डाल दी है. छोटी हेडलाइन है, राजपूत ग्रेटफुल फॉर रिया हरकिन. तो राजपूत ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत के बारे में शायद बात कर रहे हैं. ग्रेटफुल मतलब वो किसी का आभार मानता है. किसका आभार मानता है, तो रिया यहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड भी मानी जाती थी, रिया चक्रवर्ती. हर किन, किन का मतलब होता है रिश्तेदार, तो हर किन का मतलब रिया के रिश्तेदार की बात चल रही है. इंडिया टू चाइना, स्टॉप वर्क, पुल बैक ट्रूप्स फ्रॉम डेपसांग. डेपसांग जो है उस जगह से इंडिया चाइना को कह रहा है कि अपने ट्रूप्स का मतलब हो गया अपनी आर्मी, उसे आप पीछे ले लीजिए और जो भी काम चल रहा है वो रोक दीजिए. स्टॉप वर्क,
पुल बैक, यानी कि अपने ट्रूप्स को पीछे खींच लो। पुल का मतलब खींचना, बैक मतलब पीछे, ट्रूप्स का मतलब हो गया आर्मी। आफ्टर कोविड एंड साइक्लोन इट्स विसर्जन बिफोर गणपति फॉर पेन आइडल मेकर्स। पेन महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है, रायगढ़ एरिया में आती है। तो यह हेडलाइन कहती है कि कोविड है, फिर महाराष्ट्र में एक साइक्लोन आया था और वही तकलीफ काफी नहीं थी, गणेश चतुर्थी के पहले ही शायद गणपति का विसर्जन हो जाए। इसके अंदर हल्की नजर मार के समझ में आता है कि शायद वहाँ के जो गणपति स्टैचूज बनाने वाले, गणपति की मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार है, उनको तकलीफ हो रही है क्योंकि वहाँ बारिश इतनी हो रही है कि लोग खरीदने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो आसपास के गांव के भी ऑर्डर्स थे वो भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है यूके, यूएस एंड मॉरिशस, यहाँ तक के भी ऑर्डर्स उनके पास आते थे, वो भी अब कैंसिल हो चुके हैं। नेक्स्ट हेडलाइन, कॉप्स कंसीड मिस्टेक, क्लियर स्क्राइब हेल्ड फॉर मांद्रा केओस। ये दूसरी बार है जो हम देख रहे हैं कोई कोर्ट या पुलिस अपनी गलती मान रही है। कॉप्स कंसीड, कंसीड मतलब मान लेना या छोड़ देना, यहाँ पर उसका मतलब है मान लेना। तो कॉप्स कंसीड मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब गलती, अपनी गलती कॉप्स यानी कि पुलिस ने अपनी गलती मान ली। क्लियर स्क्राइब, स्क्राइब का मतलब होता है पत्रकार, तो पत्रकार को उन्होंने जितने भी चार्जेस थे उससे बरी कर दिए हैं। और ये स्क्राइब क्या था, ये जेल में था, हेल्ड यानी कि पकड़ा हुआ था फॉर बांद्रा केओस। तो बांद्रा एक जगह है बॉम्बे के अंदर, बहुत मशहूर जगह है, वो इसलिए मशहूर है क्योंकि सलमान और शाहरुख खान वहां पर रहते हैं। और केओस का मतलब होता है खलबली या तो पूरा तहस नहस हो जाना। तो कोई जर्नलिस्ट के ऊपर चार्जेस थे कि बांद्रा में उसने कुछ खलबली मचा दी थी जिसकी वजह से उन्हें जेल में रखा गया था, लेकिन कॉप्स ने या तो पुलिस ने उसे अब बरी कर दिया है। तो आज के इतने ही हेडलाइंस हैं। थैंक यू, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज के हेडलाइंस ही मैंने आज पढ़ा हूँ। उम्मीद है आपको ये वोकैबुलरी कुछ आपकी बढ़ चुकी होगी, आप उस वर्ड्स को समझ सके हैं और उसको आगे चल के यूज कर सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। हैव अ गुड डे।